बना दिया ना तेरा। तेरे पे यकीन नहीं करना था, यकीन करना भी नहीं चाहिए ऐसे क्रोकोडाइल पे जो अपनी वाइफ के लिए अपने दोस्त को मरवा देता। तू ले जाइए, ले जा, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तू दोस्त नहीं, तू गद्दार है। हम इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन की सिक्स्थ स्टोरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी होता है बंदर और क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है गड़बड़ या घोटाला, अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सबसे पहली लाइन देखिए क्या कहती है ये स्टोरी। अ मंकी एक बंदर था लिव्ड जो रहता था इन फ्रूट ट्री, एक फल वाले पेड़ पर रहता था। ऑन द बैंक, जो पेड़ था किनारे पर। ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे पर फलों वाला पेड़ था, उस पर रहता था एक बंदर। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल, वह दोस्त बन गया एक मगरमच्छ का। गेव हिम, दिया करता था वो उसको डिलीशियस फ्रूट्स, बड़े ही स्वादिष्ट फल उसको दिया करता था टू ईट, खाने के लिए। एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फ्रूट वो उसकी वाइफ के लिए भेज दिया करता था। कौन भेजता था? बंदर भेजता था। किसकी वाइफ के लिए? मगरमच्छ की वाइफ के लिए भेजा करता था। आगे देखिए। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, वो अक्सर दोनों रोज मिला करते थे। एंड टॉक्ड, और बात किया करते थे। द मंकी इन द ट्री, मंकी जो है वो पेड़ में बैठा होता था। एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, और वो जो मगरमच्छ था वो नीचे जमीन पे बैठा होता था। दोनों अक्सर आपस में बात किया करते थे। यहां तक क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चों? हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखिए। वंस, एक बार। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे पर। अ मंकी, एक बंदर। मेड अ होम, उस बंदर ने एक घर बना लिया। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। इन अ ट्री, पेड़ के अंदर। लेडन विद फ्रूट, जो फलों से लेडन था, लदा हुआ था। समझ में आ गया? आ गया। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, इस पेड़ में वो बड़ा खुश रहता था, बहुत मजे किया करता था। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज च्वाइस, अपना दिल भर के, अपना मन मर्जी के, अपनी च्वाइस के, जो है वो मतलब पेट भर के, मन भर के, जितना जी करता उतना उतने फ्रूट खाया करता था, मजे लिया करता था। कौन? बंदर लिया करता ना मजे। आगे देखिए। द मंकी वॉज हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश था। मंकी बहुत खुश था, बट लॉनली, लेकिन अकेला था बेचारा। Wanted a companion, उसको एक दोस्त की जरूरत थी। To talk, जिससे वो बात कर सके। And share the fruits with, और ये जो fruits थे मीठे मीठे, उसके साथ वो बांट सके। एक दोस्त की तलाश थी उसको। But, लेकिन, there was no one around, आसपास कोई भी उसका दोस्त नहीं था। Not even another monkey, दूसरा कोई मंकी भी नहीं था जो उसके साथ दोस्ती कर सके। अकेला था बेचारा। Till one day, जब तक अकेला था, एक दिन, a crocodile appeared on the river side, नदी के आसपास उसको एक crocodile नजर आया, एक मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ के मिलने से पहले वो अकेला था। अब आगे देखिए। Hello there, said the monkey, monkey ने कहा, hello, hello there, hello, कोई है क्या? Do you live in this river? क्या तुम इस नदी में रहते हो? Hello, नदी में रहते हो क्या? Would you like to eat some fruit? अरे अरे, नदी में रहते हो क्या? कुछ खाओगे क्या? ये मीठा मीठा फ्रूट खाओगे? खाओगे क्या भाई? खाओगे? Good morning, replied the crocodile politely, बड़े प्यार से, विनम्र स्वभाव से उस क्रोकोडाइल ने गुड मॉर्निंग कर दी। गुड मॉर्निंग बंदर जी, गुड मॉर्निंग बंदर जी। I did come here, मैं यहाँ आता हूँ। In search of food, खाने की तलाश में। For myself, अपने लिए। And my wife, अपनी पत्नी के लिए। मैं तो खाना लेने के लिए आता हूँ, खाना ढूंढने के लिए आता हूँ। Nice of you to offer me fruit, कितना अच्छा लगा जब आपने कहा कुछ खाओगे क्या, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे खाने के लिए ऑफर किया। आगे देखिए। द मंकी प्लक्ड, मंकी ने प्लक किए, तोड़ लिए, सम फ्रॉम, कुछ फूड फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, आसपास जो टहनी थी वहां से ऐसे तोड़ लिए। एंड थ्रू देम डाउन, ऐसे फेंक दिए, इसकी तरफ फेंक दिए, क्रोकोडाइल की तरफ फेंक दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, उस मगरमच्छ को वो खा करके मजा आ गया, स्वादिष्ट लगे। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट,
मजा आ गया उसको। थैंक्स ही सेड, उसने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं अगली बार आऊंगा तब मुझे कुछ और भी दे दोगे आप? दे सकते हो बंदर जी, दे दोगे क्या? वो कहता है सर्टेनली, हाँ पक्का दे दूंगा पक्का। एज मैनी एज यू लाइक, जितना तुम्हें चाहिए उतना मैं आपको दूंगा। एंड सम ऑफ योर वाइफ टू, तुम्हारी पत्नी के लिए भी दे दूंगा मैं, दे दूंगा। सेड द मंकी, मंकी ने कह दिया। ओके आगे देखिए, डू कम अगेन, लेकिन आना जरूर, दोबारा फिर से आना, मैं अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लगता, आना जरूर। आई एम रादर लोनली हियर, मैं अकेला ही रहता हूँ, आप आओगे मेरा मन बहल जाएगा, मैं आपको खाने के लिए मीठे मीठे फ्रूट दूंगा, आना जरूर। आगे देखिए, द क्रोकोडाइल विजिटेड, क्रोकोडाइल उसके पास आया। द मंकी, किसके पास? मंकी के पास आया। रेगुलरली, हर रोज आया, वो हर रोज उसके पास आता था। एंड एट द फ्रूट्स, और वो फल खाया करता था। विच हिज होस्ट थ्रू देम, जो बंदर उसको नीचे फेंका करता था, वो खा करके मजे किया करता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, वह कुछ फ्रूट अपनी पत्नी के लिए लेके जाया करता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, अब दोनों के दोनों, बंदर भी और क्रोकोडाइल भी, बहुत ही गहरे दोस्त बन गए थे, पक्के मित्र बन गए थे वो। दे टॉक्ड, वो बात किया करते थे। एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और कभी भी बात करने में थकते नहीं थे, बात किया करते थे, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। They talked about birds and animals. वो पक्षियों की बातें करते, animals जानवरों की बातें करते, about the villages गांव के बारे में बातें करते, nearby जो उनके नजदीक था गांव की बातें करते, and the difficulties और उन मुसीबतों की बातें करते, villagers faced जो गांव वाले सामना किया करते थे, in raising good crops और अच्छी असली फसलें उगाने में जो मुसीबतें गांव वाले सहन करते थे उनके लिए, उनके बारे में बातें करते थे। फॉर लैक ऑफ रेन, बरसात की कमी जब होती थी तो किसानों को बहुत दुख होता था, ये सारी बातें वो किया करते थे। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल, वो जो मगरमच्छ था, स्टेड विद द मंकी, मंकी के साथ रुका रहा, लोंगर, ज्यादा समय तक, देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा, मतलब इतना ज्यादा लंबे समय तक वो रुका नहीं करता था वहां पर। हिज वाइफ वॉज अनॉयड, उसकी वाइफ गुस्सा हो गई, किसकी वाइफ? क्रोकोडाइल की वाइफ गुस्सा हो गई, वेटिंग, इंतजार कर रही थी वो, गुस्सा आ गया उसको। एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैस्ट, वो गुस्सा आ गया, अपने बच्चों को जो है वो क्या कर रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी, जो अभी अभी अंडे में से बाहर आए थे उनको हैच कर रही थी, गर्माहट दे रही थी, वो परेशान हो गई बच्चों को संभालने में और उसको गुस्सा आ गया। सी सेड, उसने कहा, उसकी वाइफ कहने लगी, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, तुम्हारा कौन सा दोस्त है जो इतना जिगरी दोस्त है, जिसको तुम इतना चाहते हो, इन बच्चों से भी ज्यादा चाहते हो, मेरे से भी ज्यादा चाहते हो, कौन सा दोस्त है तुम्हारा ऐसा? ओह, ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड, क्रोकोडाइल ने कहा, अरे वो तो बड़ा प्यारा सा बंदर है जो मेरा दोस्त है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फलों वाले पेड़ पे रहता है। He sends fruits, वो फ्रूट्स भेजता है, for you, तुम्हारे लिए भी भेजता है, फल भेजता है वो, every day, हर रोज भेजता है। You don't expect me to climb trees, do you? तुम समझती हो ना मैं पेड़ पर नहीं चढ़ता, क्या ऐसा मानती हूँ मैं चढ़ जाऊंगा? नहीं चढ़ सकता ना, वो मंकी ही तुम्हारे लिए इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे फल भेजता है, वही मेरा दोस्त है। A nice monkey, I'm sure. मुझे पूरा यकीन है कि वो बड़ा ही नाइस मंकी है, बहुत अच्छा बंदर है। Replied the wife. उसकी वाइफ ने जवाब दिया कि वाकई में बड़ा अच्छा बंदर है। With obvious sarcasm. बिल्कुल स्पष्ट बात है ये, व्यंग्य के रूप में कहा, यानी ताना मारते हुए उसको कहा, सरकाजम होता है ताना मारना, ताना मतलब ताना देना, ताना मारते हुए कहा, हाँ बड़ा प्यारा और मीठा बंदर है वो। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछते हो ना, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये मंकी मेरा फूड होना चाहिए, मैं इसको खाऊंगी। उसकी वाइफ ने कहा कि मैं इस मंकी को खाऊंगी। आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ, मुझे वो बंदर चाहिए, बड़ा मीठा है वो, बड़ा अच्छा है ना, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ।
व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, क्या बकवास कर रही हो तुम, कितनी गलत बात कर रही हो, शाउटेड द क्रोकोडाइल। वो मगरमच्छ चिल्लाने लगा, इतनी गलत बात करती हो, कैसे खाओगी मेरे दोस्त को, ऐसा भी कोई करता है? ऐसा नहीं करता कोई। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, और अपने टेस्ट के लिए तुम एक मंकी को खाना चाहती हो, मैं एक मंकी को तुम्हारा भोजन नहीं बनने देना चाहता, और वो मेरा दोस्त भी है, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। समझ में आ गई, मैं गद्दारी नहीं करूंगा, मैं उस बंदर को तुम्हारा भोजन नहीं बनने दूंगा। आगे देखिए, यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ, वाइफ ने कह दिया लाएगा क्यों नहीं, तुझे लाना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है, तू उस बंदर को जरूर लेके आएगा। ओके, आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसने कहा ताकि तुम खा सको उसको, ताकि मैं उसको लाऊं और तुम उसको चबा जाओ। नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आगे देखिए, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी, वो फ्यूरियस हो गई, आग बबूला हो गई, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको। एंड शी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और वो नदी में नीचे डुबकी मार गई, इतनी नीचे चली गई, अपने आप को छुपा लिया। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, उन छोटे छोटे बच्चों को अपने पापा के साथ चेप होने के लिए, अपने पापा के साथ चिपकने के लिए उनको छोड़ गई, और वो अपना घर छोड़ करके भाग गई, रूस गई वो, रूस करके मायके नहीं जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी, नीचे चली गई वो। आगे देखिए क्या होता है, द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, अब क्रोकोडाइल बहुत बड़े द्वंद में पड़ गया, बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, दोस्त को धोखा दूं या इस अपनी वाइफ को मनाऊं, किसको मनाऊं, बच्चे बिना माँ के हो जाएंगे, किसको मनाऊं मैं। अब देखते हैं क्या होता है, ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और मंकी से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको भी बहुत ज्यादा पसंद करता था, दोनों के बीच में फंस गया बेचारा, कौन, क्रोकोडाइल फंस गया। आगे देखिए, सी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, वो उसकी पत्नी उसके जीवन का एक हिस्सा है, उसका लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, मैं जानता हूं एक दोस्त को धोखा देना, एक दोस्त को, एक दोस्त के साथ गद्दारी करना बहुत बड़ा पाप है, सिन है, बहुत बड़ा पाप है, बट आई हैव नो चॉइस, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, या तो मंकी को लाके दूं, ये दिल खाएगी उसका, ये तो करना पड़ेगा, धोखा तो देना पड़ेगा, आखिरकार मैंने अपना घर बार बचाना है, घर टूट गया तो नाश हो जाएगा, अब मंकी को खिलाता हूं, कुछ ना कुछ तो करूंगा। आगे देखिए, He said to himself, उसने अपने आप से कहा कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मंकी को धोखा देना ही पड़ेगा, वाइफ को खिलाना ही पड़ेगा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम, मैं उस मंकी को घर पर बुलाऊंगा, निमंत्रण दूंगा कि मेरे घर आ जाए, एंड होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छे से बीत जाएगा, उसको इन्वाइट करूंगा, और बस हे भगवान इस दुविधा से निकाल दे, ऐसी वो प्रेयर करने लगा। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile. Crocodile ने उसको कहा मंकी को कि मेरी वाइफ तुमको मिलना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें चाय पे बुलाया है, तुम्हें खाने पे बुलाया है मेरी वाइफ ने, आ जाओ, इन्विटेशन आया है तेरी भाभी का, आ जा भाई आ जा। आगे देखिए, when he visited the monkey next, जब वो अगले दिन मंकी के पास गया तो उसने कह दिया तेरी भाभी ने बुलाया है चाय पे, आ जाना खाना खाने आ जाना। You must come home with me today, तुम्हें आज मेरे साथ जरूर चलना होगा। आगे देखिए, in the middle of the river, बिल्कुल रिवर के बीच में, नदी के बीच में, where, जहां पर the current was the strongest, जहां पर बहाव जबरदस्त था, जहां पर तेज थी नदी, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, क्रोकोडाइल ने अपनी जो इंटेंशन थी, अपना जो भावना था ना, उसके अंदर जो छुपा हुआ इरादा था, वो अपने आप को छुपा नहीं पाया, वो बात उसको पची नहीं, सारी बात उसको बता देगा। आप देखिए, सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ करना मेरे मित्र, मुझे माफ करना, ही सेड हेजिटेटिंगली, वो घबराते हुए कहने लगा मुझे माफ करना दोस्त मेरे, बट आई हैव टू गो अंडर वॉटर नाउ, मुझे अब पानी के नीचे जाना पड़ेगा, मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना मेरे मित्र, आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं मारने के लिए,
तुम्हारा मर्डर कराने के लिए, तुम्हें मेरी वाइफ का भोजन बनाने के लिए तुम्हें लाया हूं, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। माई वाइफ कैनॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट, गुड बाय। मेरी वाइफ जिंदा नहीं रह सकती जब तक वो तुम्हारा दिल नहीं खाएगी, तुम्हारे दिल का डिलीशियस फ्लैश नहीं खाएगी, तब तक वो जिंदा नहीं रहेगी। मुझे तुम्हें अपनी वाइफ को खिलाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, गुड बाय हमेशा के लिए, अलविदा अलविदा। द मंकी वॉज स्केयर्ड, वो मंकी डर गया, एंड डिस्ट्रेस्ड उदास हो गया, परेशान हो गया कि ये क्या हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। आगे देखिए, बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वो बहुत ही सेंसिबल था, समझदार था, एंड क्लेवर और चालाक भी था, लाइक ऑल मंकीज, दूसरे बंदरों की तरह चालाक भी था, समझदार भी था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना दिमाग ठंडा रखा और सोचा। कामली, बिल्कुल शांत स्वभाव से, ही सेड, उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, एंड योर फैमिली, और तुम्हारे परिवार के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ऐ दोस्त ये क्या बात करी तूने, यू आर माई ओनली फ्रेंड, तू तो मेरा अकेला दोस्त है, तेरे लिए जान भी दे दूं मैं, आफ्टर ऑल आखिरकार व्हाट इज अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, एक मंकी के दिल को क्या कंपेयर करें लाइफ से, क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ से क्या कंपेयर करें, दिल तो छोटी मोटी चीज है, दिल क्या मैं जान भी दे दूं तेरे लिए, तेरी वाइफ के लिए। आगे देखिए, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन यार तू इतना पागल कैसे हो सकता है, इतना मूर्ख कैसे हो सकता है तू, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि ऐसा ऐसा मैंने करना है, मुझे दिल चाहिए तुम्हारा, तू पहले बता देता मुझे, आई वुड हैव ब्रॉट माई हर्ट अलोंग, अगर तू पहले बताता तो मैं अपना दिल साथ लेके आता ना, मैं तो दिल घर छोड़ के आ गया। बट वेयर इज योर हर्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहां है, कहां है तुम्हारा दिल, आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, उस मगरमच्छ ने बड़े ही शांत स्वभाव से बिल्कुल ही पागलों की तरह पूछा कि तुम्हारा दिल कहां है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा कि तू तो अपना दिल हमेशा साथ रखता है, तुम्हारा दिल कहां है, कहां है तुम्हारा दिल, उसने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं मैं अपने साथ नहीं रखता भाई दिल को, इट्स देयर ऑन द ट्री, वो वहीं पेड़ पे है, पेड़ पे रखा हुआ है मेरा दिल, लेट्स स्विम बैक, चलो दोबारा से तैर के चलते हैं, एट वंस अभी चलते हैं, एंड गेट इट, और दिल लेकर के आते हैं, चलो मेरे साथ चलो, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी, कितना भूखा मरेगी बेचारी, चलो दिल लेकर के आते हैं पेड़ से, रिप्लाइड द मंकी, मंकी ने जवाब दिया, गेनिंग कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया, आत्मविश्वास पैदा हो गया, उसने पागल बना दिया, किसका, क्रोकोडाइल का पागल बना दिया, झूठ बोल दिया चला किसे कि मेरा दिल तो पेड़ पे है, और बिना दिल के तो मेरा क्या करेगा भाई, इस अस्थि पिंजर का क्या करेगा, दिल खाना है, दिल लेने चलते हैं, चल वापिस चला गया। ओ डियर, अरे मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट अ मिस्टेक, कितनी बड़ी गलती हो गई, हिस द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने ये सुबकते हुए कहा, आवाज निकालते हुए कहा, अरे कितनी बड़ी गलती हो गई, दे लाफ्ड लाउडली, वो जोर जोर से हंसने लगे दोनों, एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, क्योंकि उसके बाद उस क्रोकोडाइल ने अपना हैंडल घुमा दिया भाई ऐसे, और उसको पीठ पे बिठा करके वापस उस पेड़ पे ले गया, बना दिया बेवकूफ, और वो दोनों हंसने लगे। कितनी मजेदार स्टोरी थी, आगे देखिए, अरे आगे भी है स्टोरी, तो आगे देखिए क्या होता है। ऑन द रिवर बैंक, ऑन द रिवर बैंक, उस किनारे पर, नदी के किनारे पर, द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री, वो जंप मार के पेड़ पे चढ़ गया, कौन, मंकी चढ़ गया, एंड हीव्ड अ डीप साइग ऑफ रिलीफ, और उसने बड़ी आराम से चैन की सांस ली, बच गया। ही प्लक्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने कुछ एक दो फ्रूट यहां से इधर से तोड़ करके क्या किया, देम थ्रोइंग देम डाउन, और नीचे फेंक दिया, और कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हर्ट, अपनी वाइफ को ये फ्रूट दे देना मेरे दिल की बजाय, दिल नहीं मिलने वाला भाई, ये बंदर का दिल है, चालाक आदमी हूं मैं, तू क्या है, तू बेवकूफ,
बना दिया ना तेरा। तेरे पे यकीन नहीं करना था, यकीन करना भी नहीं चाहिए ऐसे क्रोकोडाइल पे जो अपनी वाइफ के लिए अपने दोस्त को मरवा देता तू। ले जाइए, ले जा सारे के सारे ये फ्रूट, ले जा, दूंगा तुझे दिल नहीं देता अब तुझे। ले जा तू, मेरा दिल आया बड़ा तू। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, कहता ताजा ताजा जो फल होते हैं ना शरीर के लिए वो बहुत फायदेमंद होते हैं, दिल के लिए फायदेमंद होते हैं, बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड, गुड बाय, अलविदा, बाय 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 बाय, अगर तुम्हें बुरा ना लगे ना, वी विल नॉट मीट अगेन, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तू दोस्त नहीं तू गद्दार है, हम इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, वो जो उदास था हालांकि बहुत चलाक था, वाइजर बना हुआ था यानी बुद्धिमान बना हुआ था, लेकिन अब उदास हो गया वो। शेड अ फ्यू टीयर्स, वो आंसू बहाने लगा, उसने आंसू बहाए, विच वर जेन्युइन, जो असली आंसू थे, मगरमच्छ के असली आंसू थे, उसने बहाए, एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस मुड़ गया, कहां जाने के लिए, घर जाने के लिए। आगे देखिए, ही वॉज इन अ हरी, वो बहुत जल्दबाजी में था, टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, ये सारी बातें, एक दो बातें जो थी ना वो बताने के लिए अपनी वाइफ को, वो जल्दबाजी में था, फटाफट से उसने चौथा गियर लगाया और भाग लिया, अपनी वाइफ के पास निकल गया। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अगर कोई आप पे विश्वास करता है तो उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ये थी बड़ी ही प्यारी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्या था टाइटल भाई, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। अब इसकी समरी, इसके सारे क्वेश्चन, छोटे बड़े मोटे छोटे जो भी एमसीक्यूज वगैरह वगैरह क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके स्क्रीन पे आएंगे, जो आपने लिखने हैं साथ के साथ याद भी करने हैं, और मुझे आज क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है मेरे भाई। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय।